हे गाइस, वेलकम टू यम्मी रेसिपीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जीरा बिस्किट इन माइक्रोवेव। तो मेरे पास IFB का माइक्रोवेव है, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये जीरा बिस्किट। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप घी। आप इसके जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर यूज़ करेंगे तो उसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे ताकि अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं घी को थोड़ा सा ऐसे चला दे रही हूँ। इसके बाद लेंगे 1.5 कप व्हीट फ्लोर, तो इसमें मैं कोई शुगर नहीं डालने वाली हूँ, सॉल्ट वाला बनाने जा रही हूँ। और इसके बाद डालेंगे 1/2 स्पून सॉल्ट, फिर डालेंगे 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर, उसके बाद डालेंगे इसमें 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और इसमें 1 स्पून हम जीरा डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो भी लम्स बीच में आएंगे उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिल्क। तो मिल्क हमें उतना डालना है कि अच्छे से ये एक डो बन जाए। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाऊंगी और इसको मिक्स करते जाऊंगी। एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये अच्छे तरह से नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं स्पून से डाल रही हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मिल्क के साथ। तो ये हमारा डो बनके तैयार है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से शेप देंगे ताकि ये इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये टूटे ना, और इसको हम ऐसे रोल करेंगे। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी, तो आप इसको गोल भी काट सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस करूंगी और इसको स्क्वायर शेप दूंगी। उसके बाद जो ट्रे है बेकिंग ट्रे, इसको मैं घी से थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसमें बिस्किट जो है वो चिपके ना। और इसके बाद अवन को हम प्री हीट करेंगे। तो मैं 180 डिग्री पे इसको प्री हीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने टाइम लगाया है 4 मिनट, लेकिन मैंने 2 मिनट में बंद कर दिया था, तो उसको 2 मिनट के लिए लगाया। इसके बाद मैं इसको काट रही हूँ। तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं स्क्वायर दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा काट लिया और ट्रे में ऐसे रख दिया है। इसके बाद उस ऊपर से जो जीरा है उसको थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसको प्रेस कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा चिपक जाइए। इसके बाद उसको प्री हीटेड ओवन में मैं डाल रही हूँ। तो इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए। तो जो कन्वेक्शन का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, उसी को प्रेस करेंगे तो जो हमारा जो डिग्री है वो इंक्रीज होगा। तो 180 डिग्री पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम सेट कर रही हूँ और स्टार्ट बटन कर दूँगी, तो यहाँ पर ये होगा। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा था तो ये हो चुका था अच्छी तरह से। तो बहुत गर्म था तो मैंने इसको इसी में छोड़ दिया था ताकि इसको अच्छी तरह से रेस्ट टाइम भी मिल जाए। इसके बाद मैंने जब थोड़ा सा ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसको निकाला है। तो ठंडा पूरा कूल हो जाए उसके बाद ही निकाले आप, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए बिस्किट। और ये देखिए ऊपर से भी पक गया है और नीचे से भी पक गया है, क्योंकि मैंने इसको ओवन में ही छोड़ दिया था। तो ऊपर साइड से बहुत अच्छी तरह से ये हो गया है। तो ये हमारा जीरा बिस्किट तैयार है और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें गाइज, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा बना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइज़।